तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी 8:14 हो रहा है। तो गाइस, जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा तो मम्मी लोग कल 12 बजे आ गए थे। एक्चुअली मैं ये लोग ना हॉल से डायरेक्ट बड़े मम्मी के यहाँ चले गए थे, क्योंकि शादी हॉल से जो बड़े मम्मी का घर है वो काफी नजदीक में है, काफी 1-2 मिनट की दूरी पे है। तो लोग बड़े मम्मी के यहाँ पे रुके थे, नाइट स्टे उन्होंने वहाँ पे किया। देन फिर ये लोग 12-1 बजे यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि 2 बजे मामा के यहाँ पे खाना था। तो फिर हम सभी लोग गए खाना वाना खाने मामा के यहाँ पे। वहीं पे फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो घूमने चलते हैं, सोचा कि चलो कुलार डैम चलते हैं। लेकिन ना प्लान बनाते बनाते और इधर उधर भाग दौड़ करने में थोड़ा सा गाड़ी वगैरह अरेंज करने में थोड़ा समय लग गया। तो हमने प्लान बनाया कि कुलार डैम चलेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए ना, और कुलार डैम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो जाने में 1 घंटा लग जाता लगभग। और फिर जाते हम लोग तो रात हो जाती है और अंधेरे में कुछ देखने को मिलता नहीं। तो फिर हमने प्लान चेंज किया और फिर हम लोग गए कैरवा डैम। हम सिर्फ लड़के लड़के ही गए थे, क्योंकि बाकी लोग तो भाई फंक्शन में थे। सो गाइस, वहाँ से आने के बाद मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था, तो अभी ब्लॉग आप आगे कंटिन्यू करो। तो गाइस, आगे के ब्लॉग में आप देखोगे कि सभी लोग ना नानी ना तो मेरी नानी, मौसी, मौसा जी, बड़ी मम्मी, तो ये सब गए हैं मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ पे। तो आज के दिन ये लोग वहाँ पे स्टे करेंगे और फिर इनके कल की ट्रेन है ना, तो कल फिर ये लोग वापस गाँव चले जाएंगे। एक बाइट खाया उसने, खाया नहीं थे सब्जी ले क्या करेगा पर तू ले लिए ना। सभी सब लोग जा रहे हैं यहाँ से। उधर नहीं, उधर नहीं, हाँ हाँ बाय बाय बाय। तो गाइस, नानी और मौसी निकल गए यहाँ से बड़ी मम्मी के साथ में। तो बड़ी मम्मी की गाड़ी थी तो उसी में चले गए। अभी वो कल के दिन वहाँ बड़ी मम्मी के यहाँ पे रुकेंगे और फिर उसके बाद 24 की उनकी ट्रेन है, तो 24 में फिर वो गांव चले जाएंगे। तो कुछ दिन हमारे साथ में रहे तो काफ़ी अच्छा था। तो चलो अभी सामान जमाते हैं, अंदर का सब बिखरा हुआ है। खोलो क्या फिर पलंग, गद्दे रखना है तो? यही तो रखा था मैंने नीचे, ये लो। इसी में आ जाएंगे सारे, बहुत जगह है, नहीं आएंगे? बर्गर लाया था, बर्गर खा लेना। ये रखा है यहाँ पे। तो गाइस, आपने कल का ब्लॉग देखा, अब चलो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं आज मॉर्निंग से। तो गाइस, कल के ब्लॉग में मैंने ये वाला पार्ट डाला ही नहीं, क्योंकि ना कल रात हो गई थी और एडिटिंग करने में काफी टाइम हो गया था। मैं बहुत ज्यादा थक भी गया था ना, क्योंकि हम लोग सब घूमने निकल गए थे तो वहां से बहुत ज्यादा थक गए थे, फिरने में थोड़ा थक गया था, इसलिए मैंने कल वाले ब्लॉग में ये वाला पार्ट डाला नहीं। तो गाइस, मैंने आज के ब्लॉग में इस पार्ट को ऐड किया है। तो फिलहाल अब सब लोग जा चुके हैं, तो गाँव से नानी लोग सब आते हैं तो अच्छा लगता है काफी, क्योंकि साल में एक ही बार आना जाना होता है, बार बार तो आना जाना होता नहीं है। गाँव हमारा जो है नागपुर साइड में है, अच्छा लगा कि सब लोग आए, शादी के बहाने से आए तो मिलना जुलना भी हो गया। तो चलो गाइस, मॉर्निंग का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे मम्मी ने निशु का टिफिन और बॉटल रेडी करके रख दिया है, और फिलहाल निशु भी यहाँ रेडी हो गया। बस आज थोड़ा लेट हो गए, आज थोड़ा ये लेट उठा ना, जल्दी से तैयार हो जा और कुछ खा ले, चावल चावल खा लेना है ना, निकाल दू गरम गरम। 8 हो गया करेक्ट, बस चल रहे ना, पापा तैयार हो गए, बस निकल रहे। सब रख लिया, फोल्ड करके रखते उसको अच्छे से। दौड़ लगा के, अब इधर आओ, दौड़ लगा के, कम हेयर, आओ इधर, क्या हो गया, रुक क्यों गए, आ जाओ यहाँ पे, कम हेयर, कम हेयर, वेरी गुड, हैंडशेक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके लिए टॉय लेकर आऊंगा फिर मैं, है ना, खुजली हो रही है, बॉल रखी थी मेरे पास, मैं बॉल निकालता हूँ मैं, है ना, अब अपन बॉल से खेलेंगे, ठीक है। अरे वापस क्यों जा रहे हो उधर पीछे, ये लो बॉल, लो बॉल से खेलो, बॉल से खेलो ना, चलिए बॉल पकड़ो। गिर गए आप तो, लगी तो नहीं, नहीं लगी, कारपेट पे गिरा हूँ मैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे लेकिन स्लिप हो रहे हो। अरे फिर गिर गया, बॉल लेके आओ, जाओ बॉल लेके आओ, जाओ बॉल लेके उधर, वेरी गुड, वेरी गुड, बॉल भी लेकर आओ यार, ऐसे भागते भागते आए तो बॉल भी लाना चाहिए थी, वो सामने है, वो उधर पे है, ये इधर पे, इधर पे, इधर पे, इधर पे, ये रही। अरे फिर अकेले आ गए, बॉल जाएगा, नो
काटना नहीं, गलत बात, गलत बात काटते नहीं। से नहीं होगा जलजीरा, उस दिन पुलकी का पानी बनाया था ना दोबारा से, नहीं होगा शायद, रुको मैं लेकर आता हूँ। चलो गाइस जलजीरा का पैकेट लेकर आते हैं, यही पास में दुकान है। चलो आप सो जाओ, मैं आता हूँ जलजीरा का पैकेट लेकर, ठीक है, मैं दुकान से अभी आता हूँ। पूरा घर बिखरा दिया आपने, है ना, बाहर नहीं आना, ठंडी लगेगी, अभी अपन ने बहुत खेल लिया। आओ कम्बल के अंदर, अरे कम्बल के अंदर घुस गया। तो गाइस देखो कम्बल के अंदर लपेट गया बेचारा, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। कौन है, कौन है, कौन ने उड़ा दिया कम्बल, कौन ने उड़ा दिया। लो ठीक है, अब खुश। दीदी 5 पैकेट जलजीरा दे दो। तो गाइस यहाँ पे 5 पैकेट जलजीरा ले लिए हैं, अब चलो घर चलते हैं। पानी ले लिया है और ये रहा जलजीरा का पैकेट। तीन बजे उसकी छुट्टी होगी तो 3 बजे मैं लेकर आऊंगा उसको, वही के वही डायरेक्ट, तो अपन वहाँ से जा सकते हैं फिर, तो 1 घंटे का रास्ता है तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे अपन, है ना। तो 4 बजे अपन निकलते हैं, फिर आप लोग तैयारी रखना, 3 बजे मैं आता हूँ निशु को लेके। ठीक है ठीक है, आप 3 बजे निकलना है करके बोल देता हूँ। हाँ 3 बजे निकलना है करके सांची के लिए, तो अपन घूम के आ जाएंगे फिर वहाँ से। सो गाइस अभी फिलहाल 11 बज रहे और मौसा जी का कॉल आया था, तो हम लोग ने प्लान बनाया कि सांची वगैरह घूम के आ जाते हैं क्योंकि आज का टाइम है अपने पास। तो गाइस आज 23 तारीख है और 24 तारीख की उन लोगों की ट्रेन है, तो मतलब आज का दिन है अपने पास, तो आज अपन घूमने जा सकते हैं। तो गाइस अभी चलो गाड़ी वगैरह अरेंज करते हैं और चलते हैं यहाँ से, फिर सबको लेके चलते हैं सांची और सांची घूम के आते हैं। क्या कर रहे हो, आपका भी टाइम हो गया ना, भूख लग रही है, उसको मत खाओ यार, मैं ला रहा हूँ खाना, रुको थोड़ी देर। तो गाइस चलो इस वाले ब्लॉग को अभी यही एंड करते हैं, तो सांची वाला पार्ट अब नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना। तो भी फिलहाल इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।